नमस्कार, और आप देख रहे हैं द आरके न्यूज और मैं कार्तिक शर्मा। दोस्तों, नहीं रहे साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर थामीरा। कोरोना से लड़ते हुए चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में ली आखिरी सांस। साउथ इंडियन फिल्मों के डायरेक्टर थामीरा का निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। मंगलवार को चेन्नई के अशोक पिलर के करीब स्थित माया हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। थामीरा ने के बालाचंदर और भारती राजा जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम किया था। उन्होंने ए एन देवाधाई और रेटाई सुजी जैसी तमिल फिल्मों का निर्देशन किया था। थामीरा के निधन पर साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज ने शोक जताया है। मार्केट ट्रेंड एनालिस्ट कुनिष्ठ एएलएम ने लिखा, डायरेक्टर थामीरा का कोरोना से लड़ते हुए दुखद निधन। उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, उनकी आत्मा को शांति मिली। म्यूजिक कंपोजर एम घिवरण ने लिखा, हमने एक और सच्चा रतन खो दिया है। थामीरा सर अपनी कला के प्रति सच्चे रहे और कभी भी प्रसिद्धि या धन का पीछा नहीं किया। उनके साथ काम करना एक शानदार उपहार था, उनकी आत्मा को शांति मिली। एक्ट्रेस राम्या पांडे ने लिखा, मैं हमेशा थामीरा सर की पटकथा लेखन क्षमताओं का प्रशंसक रहा हूँ। थामीरा के उनके प्यार और जुनून ने मुझ सहित कई लोगों को प्रेरित किया है। इन सबसे हटकर जो उन्हें खास बनाता है वह है अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार। ए एन देवाधाई के दौरान पूरे कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ सम्मान से पेश आते थे। वे कभी भी प्रतिभा की सराहना करने से नहीं चूकते, और वह भी पूरे दिल से। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और अपने परिवार के सदस्यों की तरह मेरी देखभाल भी की। यह व्यक्तिगत क्षति है। हर चीज़ के लिए धन्यवाद सर, आपको बेहद प्यार से याद किया जाता है। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिल रही है। नहीं रहे साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर थामीरा कोरोना से लड़ते हुए चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में ली आखिरी सांस।